वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के 135 शिफ्ट के क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूं और यह उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले आप लोगों ने यदि उसके पहले पार्ट्स को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाके देख सकते हैं। यह आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ ओनली ग्रुप डी, बाकी जो जो एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं, SSC हुआ, डिफेंस का, नेवी, एयरफोर्स हुआ, कोस्ट गार्ड हुआ, या फिर SSC CHSL हुआ, MTS हुआ, सारे एग्ज़ाम्स लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके एंड आप क्लासेस को अटेंड कर सके। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको 5 शिफ्ट के क्वेश्चंस को करवा दूंगा, 5 शिफ्ट के GK एंड साइंस के क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से हैदराबाद में ग्लोबल उद्यमिता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इवांका ट्रंप ने किया था। अगस्त 2017 में भारत के 54वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो दीपक मिश्रा ने। उस भारतीय महिला भारोत्तोलक का नाम बताएं जो 25 जुलाई 2017 को नेपाल में आयोजित एशियाई युवा एवं जूनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। उनका नाम था कोनिशम ओमिला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्ला देव के चरित्र का अभिनय करने वाली अभिनेता का नाम है राणा दग्गुबाती। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, किसमें संश्लेषित होता है? वृषण में। वे वस्तु जो अपने स्वयं के प्रकाश का उत्पादन नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो गैर चमकदार वस्तुएँ। जिस तरल का उपयोग वर्तमान में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्वतंत्र शरीर की गति किसका एक उदाहरण है? तो समान रूप से त्वरित गति का। नेक्स्ट, कौन सा एक कोशिकीय हरा शैवाल है? तो कैलमोडोमोनास जो है एक कोशिकीय हरा शैवाल है। लू एक प्रकार की क्या है? उष्मीय लहर है। प्राचीन काल में श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और क्षेत्री के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बैंकिंग। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 100 स्टंपिंग करने वाले विश्व का प्रथम विकेटकीपर कौन है? MS धोनी। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मन सेवादारी प्रथा शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वस्तु का एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या होता है? समय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किसी वस्तु का एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? समय सीमा। उत्तर प्रदेश से आर्ट फॉक म्यूजिक के क्षेत्र में 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो मोहन स्वरूप भाटिय को सम्मानित किया गया था। CII का पूर्ण रूप क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था कहाँ? अमरकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया था? तो बच्चों के अधिकारों का एक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में कौन सी अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है? तो वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन बल लगाकर किसी दृष्टि में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो लगने वाला बल क्या है? कार्य क्या है? कार्य होता है वर्कडन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 1, डिस्प्लेसमेंट है 1, तो 1 जूल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चले देखते हैं। RBI के पूर्ण गवर्नर का नाम क्या था? रघुराम राजन। द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो उनके द्वारा I Do What I Do पुस्तक लिखी गई है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें फिल्म पुरस्कार 2017 के राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो पिंक ने जीता था। किस उत्तक का निर्माण
मृत कोशिकाओं के संयोग से होता है, संयोजन से, तो स्क्लेरेन्काइमा। जब एसिड धातु और ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पादक के रूप में प्राप्त होते हैं? तो लवण और जल के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेटिकन के भव्य समारोह में पोप फ्रांसिस द्वारा 4 सितंबर 2016 को किसको संत की उपाधि दी गई थी? तो मदर ट्रेशा को। कौन सी निष्कर्षीय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते? तो हीलियम। समभारिकों में किसकी समान संख्या होती है? तो नाभिकों की। नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। एक शिफ्ट के क्वेश्चन को करा दिया गया। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य जिसका एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है, वो क्या है? महाभारत। वर्ष 2017 में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष एवं महिला दोनों में हॉकी टीमों में सर्वोच्च स्थान पर रहा था? तो द एशिया कप में थे। जब तार की लंबाई 2 गुनी की जाती है तो एमीमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है? आधी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रुस पर विजय करने वाली लड़की का नाम है मालवाथपूर्णा। 26 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 26 नवंबर 2021 को क्या होगा? सोमवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरण किया जाता है, तो वस्तु पर लगाया गया बल कितना होगा? तो देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको चेंज इन वेलोसिटी लगाना है। तो 17 - 5 / 6 हो जाएगा बाई टाइम, इधर 100 कर दीजिए इंटू से, तो देखिए ये 12 आएगा, ऊपर से 2 कटिए तो 200 न्यूटन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को कहते हैं, तो इसके भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, क्या भूतापीय ऊर्जा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में जारी ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की रैंकिंग सूची में दूसरा स्थान भारतीय महिला बल्लेबाज का नाम क्या था? तो दूसरा स्थान प्राप्त भारतीय महिला का नाम है मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हैलोजन है तो क्लोरीन एक हैलोजन है। काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो जो काली क्रांति है वो किससे है? पेट्रोलियम की क्रांति से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ओइनस बेबम देवी है। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उन्हें क्या कहते हैं? चमकदार वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से प्रोजेक्ट का उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करना है? तो प्रोजेक्ट सशक्त। मध्ययुगीन काल में सार्की राजाओं ने एटाला मस्जिद को कहाँ बनाया था? तो जौनपुर में बनाया था। विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए कौन सी उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो मेरी स्टेमेटिक कोशिकाओं को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितित ऊर्जा होती है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले 11 से 18 में रखे गए जाते हैं 3। किस में रखे जाते हैं? परमाणु संख्या वाले तत्व 18 से तो 3 में रखे जाते हैं। किसी तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएँ होती है, कौन से किस तत्व के? तो ER के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री मोनोकॉट पौधा है, तो लहसुन है। किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है तो वह गतिज ऊर्जा होती है। गांठ कोशिकाओं में क्या प्रभावित होने से वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है? तो पानी। 2017 में आयोजित 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको? अक्षय कुमार को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत के सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो बेंगलुरु में। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण
विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक दुकान, तो पहला दो क्वेश्चन स्किप किया जा रहा है जो कि क्वेश्चन किसका है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। हीरा का निरपेक्षक अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। अस्थि कोशिकाओं में एक हार्ड मैट्रिक्स में अतः स्थापित होती है जो बनाती है CA और P। निक्रोम सामान्यतः विद्युत तापन किसमें प्रयोग किया जाता है? तो उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। किसमें? उपकरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट बिलियन में कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियशील होता है। 250 वाट्स इक्वल टू कितना होता है? 2.5 kW। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा? तो देखिए, आपको यहाँ पर एक गतिज ऊर्जा दे दिया है, आपको संवेग पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो गतिज ऊर्जा आपका 10 जूल दिया है, आपको m निकालना है। तो v मतलब क्या हुआ आपको, सॉरी, यहाँ क्या निकालना है, संवेग निकालना है, यानी v² निकालना है। तो 10 × 2 / क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो m कितना है? 200। तो 2 से कितना जाएगा? 100 बार में, बट ये क्या है, ग्राम में, तो ऊपर 1000 जाएगा। तो ऊपर 1000 जाएगा तो ये कितना, 10 बार में कट जाएगा। तो 10 × 10 100 होता है। तो ऊपर जब 2 जाएगा तो 200 हो जाएगा, और 200 को जब चेंज कीजिएगा फिर स्क्वायर में तो 2 कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से आप कर लीजिएगा। पहले 200 को चेंज कर दीजिएगा kg में, तो 200 / 1000 कर दीजिए, तो यहाँ पर जितना आएगा 2 kg आ जाएगा। ठीक है, 200 पॉइंट में आएगा, यहाँ पर 0.2 kg के आसपास आएगा। अब उसको आप करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 1/2 mv² इक्वल टू कर देना है 10 जूल, 200 / 1000 करना है, और वहाँ से आपको भी निकाल लेना है। 200 / 1000 कीजिएगा तभी kg में जाएगा, याद रखिए। ईका सिलिकॉन को किसके रूप में जाना जाता है? तो ईका सिलिकॉन को जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के कोष में संयोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है 2। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया था? तो स्व परागण पद्धति के द्वारा। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तो पोखरण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर। 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 m/s वेग के साथ गतिमान करती है, तो इसमें आपको क्या पूछा है, तो इसमें आपसे पूछा है वस्तु में निहित संवेग क्या है। संवेग का मतलब क्या होता है, सॉरी, उस पिछले वाले क्वेश्चन में संवेग पूछा था, तो संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, मतलब m × v। मैं इसको भी समझ रहा था, संवेग मतलब होता है मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पर m भी दिया है, 2 भी दिया, तो 10 × 2 = 20 हो जाएगा। पिछले वाले न्यूमेरिकल में देख लीजिएगा, आपसे संवेग पूछा था, मैं उसको वेग लेके कर रहा था, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। क्या? पादप कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक तापमान पर ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? तो एल्युमिनियम पे होती है। जब तत्व के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाली तत्व के परमाणु भार अन्य दो तत्व के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को कहा जाता है डर्बोन-रायन के त्रिक का नियम। टार्टरिक एसिड का किसका एक घटक है? तो बेकिंग पाउडर का। इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 1936 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते? तो 4 आवर्त में। वर्ष 2017 में आयोजित 18वें आईफा पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो शाहिद कपूर ने जीता। भारत में गतिशीलता के भविष्य के लिए क्राउड सोर्स समाधान के लिए वैश्विक गतिशील हैकथॉन MOOC किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस सुपरसोनिक मिसाइल का नाम बताएं जिसका 2017 में भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो उसका नाम है ब्रह्मोस। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2018 में 200 ODI विकेट पूर्व किए थे? तो झूलन गोस्वामी ने किए थे।
पश्चिम बंगाल की उषा उथुप ने किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जीता था? तो कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से भारतीय व्यक्तित्व को 2017 के कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी से सम्मानित किया गया? तो अजीम प्रेम जी। सन टीवी नेटवर्क किसे स्थापित किया? कलानिधि मारन। 2016 में प्रीमियर बैडमिंटन लीग किस टीम ने जीता? तो दिल्ली एमर्स ने। किस राज्य में स्थानीय तूफानों को आम बौछार के नाम से जाना जाता है, जो आम की फसल पकाने में मदद करता है? तो यह केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देशों में भेजा? तो यूरोपीय में भेजा। पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड किताब के लेखक है चेतन भगत। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वह राज्यसभा के सदस्य हैं। तो किनके द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता? तो हर्षचरित वनभट्ट के द्वारा लिखा गया है। चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्गीकरण में 7 काल और 18 समूह है? तो आधुनिक आर्वस सारणी में। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जोड़ते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है। एक समतल दर्पण किसका छवि होता? आभासी और बड़े पैमाने पर उल्टा। द्रव्यमान और संवेग का गुणनफल होता है गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ एक किसके रूप में है? तो ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज जो ग्राफ है वो रेखीय ग्राफ के रूप में मौजूद है। कुछ पौधों की जड़ें, तना और पत्तियां नए पौधों में विकसित होती है, उन्हें वनस्पति प्रचार कहते हैं। कौन सा ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है और स्तर को बनाता है? सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। सीमेंट का मुख्य घटक है SiO2। SiO2 जो है सीमेंट का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। एक तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका 288 है, समूह में जगह है, किस आर्वस सारणी में है? तो यह 18 आर्वस सारणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से यौगिक में OH का कार्यात्मक समूह के रूप में होता है? तो ब्यूटानॉल यौगिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन करते हैं। जॉइंट पर हड्डी की सतहों को क्या मुलायम करती है? तो कार्टिलेज। मुक्त गिरावट सच्चे अर्थों में केवल किसमें होती है? वैक्यूम में। कैल्शियम सल्फेट हीमेहाइड्रेट किसके रूप में जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में महाराष्ट्र से कला संगीत के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो अरविंद पारिक। सलमान रुश्दी का कौन सा उपन्यास 2017 में रिलीज हुआ था? तो द गोल्डन हाउस। फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदु गोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसने 2017 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2000 का खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। कौन से मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो औरंगजेब ने। एक एथलीट 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी करता है, उसकी औसत गति क्या है? तो 500 डिवाइडेड बाई 25 कर दिया तो 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गोवर्धन परिस्थिति गांव की स्थापना किस संगठन ने की थी? तो इस्कॉन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या है? तो हाफ होता है, एम के जगह 30 रखिए, बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर की जगह 100 कर दीजिए, 100 से जब काटेगा तो यह कितना होगा? 50, 50 × 30 1500 जूल आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो फरीद था। 2017 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो साक्षी मलिक को। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। फ्रांस की राजधानी शहर कौन है? फ्रांस की राजधानी शहर है पेरिस। प्रोफेसर अमृत सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो अमृत सेन जो थे अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध है।
कौन से भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो निर्भय है। कौन सी है? निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2016 तक जम्मू कश्मीर में किस पुल को बनाने की योजना है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है? तो चेनाब पुल। वर्ष 2016 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो के विश्वनाथ को। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के किस राज्य की एक मुख्य घाटी में पाया जाता है? तो यह केरला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार शिफ्ट के क्वेश्चन को करा दिया गया है, आप पांचवे शिफ्ट की तरफ चलते हैं। किस एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है? तो वैद्युतीय त्रात्मक। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 30 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु का जो वेग है 4 से कितना हो जाता है? 6 में बढ़ जाता है। तो बल की गुरुत्व बताइए। तो फोर्स क्या होता है? एम होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना से हुआ है? 4 से 8 हुआ है, मतलब 8 से 4 हुआ है। कितना सेकेंड में? तो यह 3 सेकेंड में हुआ है। और 4 से यहाँ पर ही 6 हुआ है, मतलब 6-4 होगा यहाँ पर ही, यहाँ पर ही 8 होगा। तो 6-4 कितना होता है? 2 होता है, यहाँ पर ही 2 होगा। तो 8 × 16 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो 5.53 न्यूटन आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में जो कि आंसर दिया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल के सहित 10 मीटर की दूरी ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 4 से 50 और 10 है डिस्प्लेसमेंट, तो 500 जूल। तत्वों में सबसे बड़ा अणु है किसका? लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तांबे सल्फेट के बिलियन में जस्ता मिलाए जाने पर विस्थापित होता है क्या? तांबा। एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा तय करती है तो औसत चाल क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस आपको देखना होता है। टोटल डिस्टेंस देख लीजिए कितना है, 3 सेकंड में 23 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 23 में 10 जोड़िएगा तो 33, 33 में 5 जोड़िएगा तो 38, 38 और टोटल टाइम कितना हुआ? 3 to 5, 5 सेकंड में। तो इसको काटिएगा तो 7.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवधिक सारणी की अवधि में चार में कौन सा निष्कर्षीय गैस रखा है? तो क्रिप्टन को रखा गया है। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में होता है? तो प्रोपेन गैस। 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़िए तो वस्तु की गति ऊर्जा 1/2 mv². तो 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 2 से 2 काटिए, 10 × 20 जूल आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस यौगिक को एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक को एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय में शामिल है, कार्बोनिक एसिड शामिल है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं ऊर्जा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में होता है। Al2SO4 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत 56.1%। कौन सी लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने में आँख को मदद मिलता है? तो सिलियरी बॉडीज। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे टैक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? तो लीनियस। अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में। त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों अंगों के बीच में कौन सा उत्तक होता है? वसा उत्तक। देखिए एक वस्तु 3 सेकंड में 24, फिर 2 सेकंड में 15, तो औसत चाल फिर पूछा है, सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो ये दोनों को क्या करना है? दोनों को जोड़ दिए, 24 और 15 कितना होता है? 39 होगा, 39/5, तो ये भी 7.8 के करीब आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों को झुकावों को कहा जाता है अपवर्तन। तेलंगाना के उस मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिसे 2017 में ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो के चंद्रशेखर राव। प्रसिद्ध कार्यकर्ता इरान चानू शर्मिला को किस राज्य की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है? तो मणिपुर। 2017 में महिला हॉकी एशिया कप खिताब जीतने कौन से देश ने जीता था? तो भारत ने। मिस वर्ल्ड 2017 की पदवी किसको ताज पहनाया गया था? तो मानुषी चिल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांटेदार वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं।
चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में किसका मंदिर बनाया था, तो बृहदीश्वर का मंदिर कहाँ है, तंजावुर में है। एसोचेम का पूरा नाम क्या है, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ है, तो BCCI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। 90वें ऑस्कर पुरस्कार 2018 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया था, तो गैरी ओल्डमैन को। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, 3 देशों के साथ। किसने बिग बॉस 11 को हिंदी संस्करण की मेजबानी की थी, सलमान खान। बैडमिंटन में कोरिया की ओपन श्रृंखला जीतने वाली भारत पहली भारतीय महिला है, PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर ग्यासुद्दीन शाह को हराया था, तो 1538 में। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन किसके तौर पर मनाया जाता है, सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चले देखते हैं। और 5 शिफ्ट हो चुका है, ये 6th शिफ्ट है। किस इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण सबसे कम होता है, तो मरकरी। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मारोडोना किस देश से, अर्जेंटीना। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। 5 फरवरी 2018 को सोमवार, तो 5 फरवरी 2019 को कौन सा बार था, बृहस्पतिवार। इंसुलेटर का प्रतिरोधक होता है उच्च। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन होता है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब एक तार अपने धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा में रूपांतरित होता है, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा। कौन सा एक क्षारीय पृथ्वी धातु का उदाहरण है, तो मैग्नीशियम। सुंदरबन टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिम बंगाल में। 2017 में प्रकाशित पुस्तक I Do What I Do के लेखक है रघुराम राजन। भी से गति कर रही द्रव्यमान m की वस्तु का संवेग होता है, तो m into v डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है संवेग का। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब 7 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई नियता बल 3 सेकंड कार्य करता है, तो वस्तु के वेग को 3 तक बढ़ाया जाता है, तो लगाए गए बल क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है m, लिखिए 7, वेग है 3, डिवाइडेड बाई कितना होगा 3 7, अच्छा 3 बढ़ा दिया जाता है, जब उसको 3 बढ़ा दिया जाएगा वेग को बढ़ा, तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा, तो लगाए गए बल का परिणाम क्या हो जाएगा, 11.66 न्यूटन हो जाएगा। इसको बाद में सॉल्व करा दिया जाएगा आपको। महाराष्ट्र में बागवानी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यह अमिताभ बच्चन है। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो लीनियस। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव FIFFI में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ 2017 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो अमिताभ बच्चन। 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 सेकंड में नियत वेग से आगे बढ़ रहे, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम यहाँ 10 हो जाएगा, हाफ एम यानी 20/2 तो 10, और 8 का स्क्वायर यानी 64 × 10 = 640। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल ग्रुप डी में काफ़ी आसान आते हैं। महाराष्ट्र में सोशल वर्क के क्षेत्र में 2018 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, तो संपत रामटेक। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बल 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है 20 सेकंड में, तो उसकी पावर क्या होती है, पावर होती है 100/20, पावर होता है वर्क बाई टाइम, तो वर्क 100/20 होता है 5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबद कहाँ स्थित है, तो यह विजयपुर में स्थित है, कहाँ पर, विजयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक मैंने ये शिफ्ट बाद में कराया जाएगा, तो अभी तक टोटल 6 शिफ्ट के क्वेश्चन को आपको करा दिया, कितना 6 शिफ्ट, ये नेक्स्ट शिफ्ट में कराया जाएगा 27/9/2018 Shift 3 का पेपर नेक्स्ट में कराया जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको लमसम कितना 30+ सेट्स का करवा दिया है, 5 वीडियो में 30+ के आसपास का सेट्स करवा दिया। यदि आप लोगों ने पिछले की वीडियो को नहीं देखा हो तो देख लीजिए, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ना कि ओनली ग्रुप डी के लिए का, क्योंकि देखिए इसमें साइंस के क्वेश्चन है, GK के क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एक पैटर्न रहता है क्वेश्चन का, एक बड़ा सा पैटर्न में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप यदि 135 शिफ्ट के क्वेश्चंस कर लेते तो बहुत ज़्यादा इनफ है आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद।